अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैट 01। सो आज हम एक स्टैट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम शॉर्ट लेक्चर्स कवर करेंगे। सो पहले लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, पहले तीन लेक्चर कवर करेंगे क्योंकि तीनों लेक्चर थ्योरी बेस्ड हैं। इसमें कोई भी एग्जांपल नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इस वजह से हम इन तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। जो बाकी आपके लेक्चर्स हैं उनको हम इंशाल्लाह रजिस्टर पर भी सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी कि कौन से MCQs पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से जो टॉपिक्स हैं आपके शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों लेक्चर जो है वो आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। ये बिल्कुल भी शॉर्ट लॉन्ग में नहीं आते, एक आध क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आ सकता है उसके चांसेस हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए। तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कौन से MCQs पास्ट में आ चुके हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले तो उन्होंने स्टैट्स को डिफाइन किया है कि स्टैट्स क्या है। स्टैट्स भी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम रियल लाइफ का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। एट द एंड हम कोई उनको कंक्लूड करके कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो वो हमें स्टैट्स में आ जाता है। जैसे कि हम पॉपुलेशन सेंसस होता है, तो पॉपुलेशन जो है वो जितना भी डाटा है वो घरों में जाके कलेक्ट किया जाता है, तमाम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डाटा कलेक्ट होता है, फिर एट द एंड आपको बता दिया जाता है कि इतनी पॉपुलेशन है। तो स्टैट्स में हम रियल लाइफ का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। अ टूल फॉर डेटाबेस रिसर्च, स्टैट्स जो है वो एक टूल है डेटाबेस रिसर्च के लिए। MCQs में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो है अ टूल फॉर डेटा बेस्ड रिसर्च कौन सा है, तो वो स्टैट्स ही है। इसके अलावा ये क्वांटिटिव एनालिसिस है इसके अंदर, और उसके बाद नीचे यहाँ पर इन्हें दिया हुआ है कि स्टैट्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो स्टैट जो है वो हर जगह ही यूज़ होता है, एग्रीकल्चर से लेकर एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, जूलॉजी से लेकर जूलॉजी तक। तो एट द एंड बताया कि एवरी सिंगल सब्जेक्ट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी टू जूलॉजी ए टू जी हमारे पास स्टैट्स इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ए से एंथ्रोपोलॉजी और जी फॉर जूलॉजी। सो ए से जेड तक जितने भी हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें स्टैट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये हो सकता है शॉर्ट में आपसे पूछा जा सके कि स्टैट्स में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आजकल। तो तीन पॉइंट्स आपने लिखने होंगे, तो आप इसमें से कोई से भी तीन पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ये स्टैट्स जो है वो यहाँ यहाँ यूज़ हो रहा है, या फिर आपको MCQs में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारी कंक्लूजन और डिसीजन होती है वो हमारे रियल लाइफ डाटा पे होती है। ठीक है, रियल लाइफ डाटा पे हम कंक्लूजन निकालते हैं और डिसीजन लेते हैं। सो ये कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, स्टैट्स का मीनिंग बताया हुआ है, तो ये भी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सो वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से आया है स्टेटस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड स्टेटस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। उसके बाद स्टैट्स को हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को भी कहते हैं कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया गया है, तो हम उसको भी स्टैट्स को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से भी। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लूरल है, ये प्लूरल के तौर पर ऑलवेज यूज़ होता है, आपने ये बात याद रखनी है। ये MCQs आया हुआ था अभी रिसेंटली कि वर्ड स्टैटिस्टिक्स को हम ऑलवेज प्लूरल यूज़ करते हैं या सिंगुलर या कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आपने याद रखना है कि हम इसको प्लूरल जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ स्टैट्स की इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि स्टैट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जैसे आप लोग ये कोर्स पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि स्टैट्स कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। उसके बाद है डाटा का क्या मतलब है। सो यहाँ पर डाटा भी लैटिन वर्ड है, और ये जो यहाँ पर ये MCQ 2023 में आया हुआ था कि इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो डेटम होती है, डाटा जो है वो प्लूरल है, और इसकी जो सिंगुलर है वो डेटम है, और ये एक लैटिन वर्ड है। सिर्फ आपने बस ये याद रखना है कि सिंगुलर फॉर्म जो है इसकी डेटम है और ये एक लैटिन वर्ड है। और डाटा तो आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, जो आपने पहले से डेफिनेशन पढ़ी हुई है। सो इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन आता कि डिफाइन डाटा, बिल्कुल भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, आपको शॉर्ट में बिल्कुल नहीं आ सकता, सिर्फ MCQs ही आ सकता है। सो डाटाज आर कलेक्टेड इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। बस आपने याद रखना है कि रियल लाइफ डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स हैं। सो वेरिएबल्स क्या हैं, तो वेरिएबल जो है वो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो इंडिविजुअल्स हर इंडिविजुअल से डिफरेंट वेरी करती है, यानी कि हर इंडिविजुअल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि एज है, एज एक वेरिएबल है। अब हर इंसान की एज डिफरेंट होती है, किसी की सेम हो सकती है लेकिन डिफरेंट होती है इंसान की एज, तो वो हमारे पास एज वेरिएबल है। तो आपको ऐसे MCQs आते हैं कि एज क्या है, एज वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो कांस्टेंट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है MCQs में कि द डोमेन ऑफ द वेरिएबल कंटेन ओनली वन वैल्यू, अगर उसमें ओनली वन वैल्यू है तो उसको फिर हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अगर डोमेन जो वेरिएबल एक अकेला है तो फिर उसे कांस्टेंट कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल बताए हुए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारे MCQs आते हैं।
सबसे पहले देख लेते हैं क्वांटिटिव. सो क्वांटिटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं. ठीक है, क्वांटिटी से निकला है, हम इसे क्वांटिटी वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकली. जैसे एज है, वेट है, इनकम है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उनको हम जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं. और जितने भी नॉन न्यूमेरिकल होते हैं उनको हम क्वालिटी डेटा कहते हैं. ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव में यही डिफरेंस है कि क्वांटिटिव को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्वालिटेटिव को हम नहीं कर सकते. जैसे कि एजुकेशन है, मेल है, फीमेल है, आई कलर है, क्वालिटी है और सर्टिफिकेशन है, या सारी चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी की तरफ आ जाती हैं, तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल आ जाते हैं. तो ये आपको MCQ किस तरह से आता है, जो है वो MCQ इस तरह से आता है कि आपको लिखा हुआ होगा. जैसे कलर है तो आपको पूछा जाएगा कि कलर क्या है, ये कैसा वेरिएबल है, यानी कि क्वांटिटिव है या क्वालिटेटिव है. तो ये आपको कलर जो है वो क्वालिटिव है कि आपको जो है क्वालिटी है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा आ जाएगा. तो इस तरह के MCQs आते हैं, बाकी आपको डेफिनेशन से नहीं आती है पेपर में. उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल को बताया हुआ. डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQs में बहुत दफ़ा आ चुका है. हमारे पास जो डिस्क्रीट डाटा होता है ना उसमें जंप्स होती है, यानी कि हम उसको कुछ जंप और कोई ब्रेक्स आ जाती हैं उसके अंदर, वो कंटिन्यूसली नहीं स्टार्ट होता. ठीक है, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल आप देख लें कि नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली है, नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस है, द नंबर ऑफ डेथ इन एक्सीडेंट में कितनी डेथ हुई, इनकम कितनी है इंडिविजुअल की. तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास एक जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है. इसमें कोई जंप्स आ रही हैं, कोई ब्रेक्स आ रही हैं, इस वजह से ये कंटिन्यूस नहीं है. उसके बाद हमारे पास जो कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, जिसमें कोई भी जंप ना हो, कोई ब्रेक ना हो, ठीक है, कोई भी गैप ना हो. बस आपने याद रखना है कि डिस्क्रीट के अंदर गैप्स आता है, ब्रेक्स होती हैं, जंप्स होती हैं, लेकिन कंटिन्यूस के अंदर कोई भी जंप और गैप नहीं आ सकता. जैसे कि एक पर्सन की एज है तो एज में जंप नहीं आ सकता, वो एकदम 2 से 4 साल का नहीं हो सकता बच्चा. सबसे पहले उसके कंटिन्यूस डाटा चलता है, पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, कुछ इस तरह से. हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट है, पहले थोड़ी थोड़ी करके वो बढ़ती है, एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन प्लांट को देखें और अगले दिन आप देखें तो वो बिल्कुल दरख्त बन जाए, ऐसा नहीं होता. प्लांट धीरे धीरे जो है वो दरख्त बनता है. तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा की टाइम जो है वो एग्जांपल्स है. तो ये आपको एग्जांपल्स दी होती हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, मतलब ये कौन सा डाटा है, कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है. तो ये चारों चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके MCQs के लिहाज से. आपका MCQ ज़रूर इसमें से कोई ना कोई आएगा. इसके अलावा जो अभी आपके रिसेंटली क्विज होंगे उसमें भी इस तरह के MCQs आपको आएंगे. जैसे हाइट ऑफ प्लांट MCQs आया हुआ था कि हाइट ऑफ प्लांट जो है वो कौन सा डाटा है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है. तो ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस डाटा है, जिसमें कंटिन्यूटी होती है, यानी कोई गैप नहीं होता. उसके बाद हमारे पास है जो स्केल, ये जो चार हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट के स्केल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी एक दफ़ा आ चुका है. सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें चार स्केल्स हैं. सबसे पहले है नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनरी स्केल है यानी कि रैंकिंग स्केल, और इंटरवल स्केल है वहाँ पर हमारे पास, और लास्ट में रेशो स्केल है. अभी हम चारों स्केल्स को देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा इनकी एक डेफिनेशन यहाँ पर मैंने जो है वो एक साइड से लेके लिखी है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट थी. तो अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन एग्जैक्टली तो आप नहीं लिख सकते सेम. सो नॉमिनल स्केल जो है वो एक नेमिंग स्केल है, जिसके अंदर वेरिएबल को सिंपली आप नाम देते हैं या फिर लेबल करते हैं. इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, विदाउट एनी ऑर्डर आप उनको क्लासिफाइड कर लेते हैं या फिर उनको नाम दे देते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेल या फीमेल, या तो स्टूडेंट्स मेल होंगे या फिर स्टूडेंट्स फीमेल होंगे. अब जो स्टूडेंट्स मेल हैं तो वो फीमेल नहीं हो सकते, और जो फीमेल हैं वो मेल नहीं हो सकते, ठीक है. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब है कि अगर वो एक साइट में एक उनको एक टेबल में रख रहे हैं तो दूसरे टेबल में नहीं रख सकते. जैसे आपने स्टूडेंट्स को मेल वाली कैटेगरी में रखा है तो आप उनको फीमेल वाली कैटेगरी में अब नहीं रख सकते. जिन फीमेल को आपने रखा है उनको आप मेल में नहीं रख सकते. तो ये हमारे पास नॉमिनल स्केल में हम सिंपल क्या करते हैं कि उनको नाम दे देते हैं, ठीक है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखी हैं, जैसे जेंडर है, या फिर अभी हमने मेल और फीमेल की बात की तो वो जेंडर है. इसके अलावा मार्शल स्टेटस है, अगर एक बंदा जो है वो मैरिड है तो वो अनमैरिड नहीं हो सकता, जो अनमैरिड है वो मैरिड बाद में हो सकता है. उसके बाद रिलीजन है, रेस है, हेयर कलर है और कंट्री है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है. तो ये एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी, और बस आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनल स्केल क्या है. उसके बाद रैंकिंग स्केल है. रैंकिंग स्केल जो है वो नॉमिनल स्केल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, यानी कि हम उसमें रैंक करते हैं, ठीक है. जैसे कोई एक्सीलेंट है, कोई गुड है, कोई पुअर है, बच्चों को हम परफॉर्मेंस पे बेस पर उनको हम मार करते हैं. जैसे कोई प्लेयर है या कोई भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कह देते हैं कि ये बच्चा इसने बहुत अच्छी की, ये बहुत एक्सीलेंट इसने किया, तो हम रैंक कर रहे हैं उनको, हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है. उसके बाद इंटरवल स्केल है. इंटरवल स्केल में क्या होता है, इंटरवल स्केल में ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर ना दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉमिनल स्केल की भी और ऑर्डर स्केल की भी, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि डेटा पॉइंट्स उसमें जो है वो क्वांटिफाइड होते हैं. यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको दी भी है कि अगर टेम्परेचर को हम या तो सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं या फिर फॉरेनहाइट में. अगर तो सेल्सियस में वो 20 डिग्री सेल्सियस है तो फिर फॉरेनहाइट में वो 20 नहीं हो सकता, फॉरेनहाइट में भी वो 68 डिग्री जो है वो फॉरेनहाइट है, वो 20 20 दोनों नहीं हो सकते, ठीक है.
उसके बाद हमारे पास है रेशो स्केल। रेशो स्केल क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटरवल स्केल है जिसके अंदर हम जो है वो जीरो पॉइंट से भी मेजर करते हैं, जिसमें ओरिजिन हम जीरो रखते हैं और फिर हम मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल वेट, वॉल्यूम, डिस्टेंस, मनी हमारे पास आ जाती हैं। इसमें जीरो पॉइंट है वो मीनिंगफुल होता है रेशो स्केल में, यही दोनों के दरमियान में डिफरेंस है इंटरवल और रेशो स्केल में। तो यहाँ पर मैं आपको इन चारों स्केल्स को यहाँ से भी आपको मैं दिखाती हूँ। सो यहाँ देखें कि स्केल को कैसे मेजर किया जाता है। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। सो बस नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल्स को देखें, हमने नाम देना है, ठीक है, एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि नॉमिनल स्केल में कोई भी ऑर्डर नहीं है, बस आपने सिर्फ नाम ही देना है, जैसे आई कलर है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल में आपने रैंकिंग देनी है, ठीक है। आप रैंक देने से कोई हैप्पी है, कोई सैड है, कोई न्यूट्रल है, तो आपने उनको एक डिफरेंट रैंकिंग दे दी। उसके बाद इंटरवल स्केल है जिसमें आप डिफरेंट इंटरवल पर मार्क करते हैं, जैसे कि टाइम है, टेम्परेचर है, सो वो सारी इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद रेशो स्केल है, रेशो स्केल में क्या करते हैं हम, जैसे कि वेट है, वेट को हम रेशो स्केल में मेजर करते हैं, जिसमें वेरिएबल्स को हम इंटरवल्स के दरमियान में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्केल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इनको डिटेल में देखा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम फिर थोड़ा थोड़ा एमसीक्यूज के लिहाज से देखेंगे। तो यहाँ पर ने हमारे पास एक और एग्जांपल दी थी हमें एरर्स की, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं कि जैसे आप अगर अपना वेट करते हैं तो आपको 60 kg शो होता है, तो 60 kg नहीं होता कि आपका 260 kg नहीं होता, दरअसल या तो वो 59.5 के दरमियान में होता है या फिर 59.5 और 60.5 के दरमियान में कहीं आपका वेट होता है, तो वो रैंडमली आप कह देते हैं कि 60 kg आपका वेट है। तो ये एक्चुअली में एरर ऑफ मेजरमेंट है कि हमने मेजर करने में एरर किया है, ठीक है। इस एरर को ऐसे डोनेट भी करते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला नहीं है, आगे हम इसका फॉर्मूला डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टैट्स में जो एरर होता है उसका मतलब मिस्टेक्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल आपको दिया है कि 60 kg नहीं होता, ये हम वेरी करते हैं जब फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बियास्ड और रैंडम एरर है। एक एरर को हम बियास्ड एरर तब कहते हैं जब वो जब उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है ना वो हायर हो सकती है फिर लोअर हो सकती है ट्रू वैल्यू से, यानी कि कभी हायर है या कभी ट्रू है। जैसे कि अभी हमने जो है वो वेट वाला देखा कि 59.5 है, तो अगर आप 60 कह रहे हैं तो आपने जो है वो 59.5 उसका तो वेट तो कम था लेकिन आपने 60 कह दिया। अगर आप 60.5 है तो फिर वो इस तरह से हम हायर और लोअर को ट्रू वैल्यू से जो है ना वो हाई या लो होता है वेट, तो इसलिए हम ये एरर आ जाता है। तो ये स्टैट्स में एरर होता है, ठीक है। रियल लाइफ में तो एरर नहीं होता, 60 kg हम डायरेक्ट ही कह देते हैं, लेकिन स्टैट्स में ही एरर होता है। तो लेक्चर नंबर 1 में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अब हम लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में भी हमारा एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो वो इसको देख लेते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टैट्स स्टैटिकल वर्क का होता है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है, ठीक है, क्योंकि हमने डाटा को कलेक्ट करना है उसके बाद हमने कंक्लूजन करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसका डाटा को कलेक्ट करना ही है। यहाँ पर सेंसस की एग्जांपल भी दी हुई है कि सेंसस में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डाटा को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाटा किस तरह का होता है। डाटा दो तरह का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है बिल्कुल रॉ डाटा, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आई, कोई भी हमने उसके साथ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं की, तो वो हमारे पास प्राइमरी डाटा है। यानी कि जैसे क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन होता है ना, वो आपके पास प्राइमरी डाटा होता है, क्योंकि उसमें अभी आपने कोई अप्लाई नहीं किया, स्टैट्स का फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया, तो वो प्योर डाटा है, वो प्राइमरी डाटा है। उसके बाद वो डाटा जिसके अंदर हमने कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट कर दी है, बेशक एक बार की है, अब वो हमारा पास सेकेंडरी डाटा आ जाता है। जैसे कि आपने कोई फॉर्मूला लगाया, कोई फ्रीक्वेंसी फाइंड की या कुछ फाइंड आउट कर लिया है अपने डाटा के अंदर से, तो अब आपका वो डाटा सेकेंडरी डाटा बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हमें प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की कुछ वेज बताए हैं, वो फिर उनको डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो इसके जो वेज हैं, पहले है इसके डायरेक्ट और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी आप कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, कलेक्शन थ्रो क्वेश्चनरीज, क्योंकि हमें डाटा कलेक्ट करना है ना, कलेक्शन थ्रो इन्यूमरेटर्स, कलेक्शन थ्रो लोकल सोर्सेज। अब इन सारों को हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का पहला जो मेथड है वो ये है कि आप इंडिविजुअली हर बंदे से जाकर डाटा कलेक्ट करें, उनसे डिफरेंट सवाल पूछें और फिर डाटा को इंडिविजुअली आप कलेक्ट करें। जैसे सेंसस होता है तो फिर डिफरेंटली आप डायरेक्ट जो है वो बात करते हैं आपसे, तो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूम है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि फेस टू फेस आप एक एक बंदे से जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे, तो इसमें आपको बहुत सारा टाइम भी लगेगा और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, ठीक है। लेकिन ये यूज़फुल कहाँ है, ये आपने याद रखना है कि ये लैब्स में लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा लोकलाइज इंक्वायरीज हैं, अगर कोई इंक्वायरी करते हैं, जैसे पुलिस वाले अक्सर इंक्वायरी करते हैं तो वो एक बंदे से जाके पूछते हैं, तो उस केस में ये डाटा बहुत मतलब यूज़फुल है, तो बस आपने याद रखना है। उसके बाद इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या होती है, जिसमें आप कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड होते हैं, जिसमें आप खुद जो है वो इंक्लूड नहीं होते, आप खुद इंडिविजुअल से नहीं पूछ रहे होते। कलेक्शन थ्रो क्वेश्चनरीज का मतलब यह है कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन का कैसे, यूजुअली जो है वो ईमेल्स के जरिए सेंड किए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्वे फॉर्म आपको दिए जाते हैं और आपको सर्वे फॉर्म में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे होते हैं, आपने उनको फिल आउट करना होता है, तो वो डाटा जो है वो कलेक्शन थ्रो क्वेश्चनरीज है,
ठीक है, ये बहुत चीप है, बिल्कुल इसमें कोई मतलब इतना खर्चा नहीं आता, और एक स्टैंडर्ड मेथड है बिज़नेस और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज़ के लिए। ठीक है, जैसे आपने कोई जैसे कोई प्रोजेक्ट का सर्वे है, कुछ इस तरह के सर्वेज आते रहते हैं और आपको फॉर्म फिल करते हैं, तो क्या होता है कि आपके फॉर्म फिल करने से कुछ क्वेश्चन के आप आंसर देते हैं, उनके पास आपका डाटा चला जाता है, मतलब जो डाटा सारा होता है वो फिर डाटा को कलेक्ट करके फिर वो कोई कंक्लूजन जो है वो कंक्लूड कर देते हैं, तो ये भी स्टैट्स का ही काम है। उसके बाद है कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर क्या होता है, इन्यूमरेटर कुछ एम्प्लॉयज़ को आप हायर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनसे आप काम करवाते हैं। जैसे कि जो सेंसस होता है जिसमें जो आपके घर आकर आपसे सब कुछ पूछते हैं, वो इन्यूमरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट वो तो बंदे नहीं होते ना, वो इन्यूमरेटर्स होते हैं, क्योंकि उनको हायर किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, और उसके बाद उनको पूछा कहा जाता है कि आपने ये क्वेश्चन जाके पूछने, अकॉर्डिंग टू दैट फिर वो आप आते हैं और आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं, फिर जाके डाटा कलेक्ट करके जो है वो आगे दे देते हैं, और उसके बाद उस पर फर्दर प्रोसीजर होता है। लोकल सोर्सेज यानी कि आप इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें कोई फॉर्मल कलेक्शन डाटा की नहीं कर रही, आप किसी भी एजेंट को, आप कोई भी एजेंट या कोई भी लोकल जो लोग होते हैं ना, आप उन्हीं से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। अक्सर आप देखा होगा आपने ऐसा, इसमें जो एग्जांपल ये होती है कि जो लोकल किसी एरिया का कोई लोकल बंदा होता है वो काफ़ी फेमस होता है, जैसे कि कुछ आप किसी घूमने वाली जगह पे जाएं तो एक लोकल बंदा होता है, वो आप सारा उसको पता होता है क्या क्या है, वो सबको आपको गाइड कर लेता है, तो कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता, वो सिंपल आपको डाटा दे देता है। अगर आप किसी जगह के बारे में उसे पूछेंगे तो वो आपको सारा डाटा ऑटोमेटिकली दे देगा, कहेगा ये जगह है घूमने के लिए, यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का जो है वो कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला तो ऑफिशियल है, ऑफिशियल में पब्लिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स गिवन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो ये सारे आपको एमसीक्यू से पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद सेमी ऑफिशियल जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, रेलवे बोर्ड है, पब्लिकेशन है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, तो ये आपके एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं आते, तो उसी लिहाज से हम देख रहे हैं। अगला हमारे पास पॉपुलेशन है, तो ये भी एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो चुका है, अभी रिसेंटली पेपर्स में आ चुका है पॉपुलेशन वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। और स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप जो है उसके अंदर एवरी जो हर एक जो मेंबर होता है ना, बेशक उसके अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हों, उनको आपने एक जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन इसमें जो क्वालिटी होती है हर मेंबर की वो डिफरेंट होती है, यानी कि अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स को मेंबर्स को आप उनको डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हर इंसान की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती, हर मेंबर एक जैसा नहीं होता, कुछ मेंबर्स की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ की अच्छी नहीं होती, कुछ की बहुत हाई होती हैं, तो वो हमारे पास हर मेंबर जो है वो क्वालिटी के तौर पर वेरी करता है। उसके बाद हमारे पास फिनाइट पॉपुलेशन है, इनफिनाइट पॉपुलेशन है। फिनाइट वो होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और इनफिनाइट वो होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आईक्यू लेवल है स्टूडेंट्स का एक स्कूल के अंदर, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कौन बच्चा कितना ज़हीन है, हम बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते। अब इनफिनाइट पॉपुलेशन वो होती है जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे कि सेंसस के थ्रू पॉपुलेशन होती है, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि आईक्यू ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल, इसको कौन सा जो है वो डाटा आप कहेंगे, तो ये फिनाइट पॉपुलेशन है या फिर फिनाइट डाटा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जो है वो आपको नहीं पता कि कौन सा बच्चा कितना जो है वो इंटेलिजेंट है। ओके जी, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास आगे है फ्रेम। सो फ्रेम क्या है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ रैंडम सैंपल फ्रॉम इनफिनाइट पॉपुलेशन, से अगर हमने रैंडम सैंपल को फाइंड आउट करना है, तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे हमें पहले जो है वो एलिमेंट्स की जो लिस्ट है ना उसको कंप्लीट करना होगा, उसको हम फ्रेम भी कहते हैं, उसको हम सैंपल फ्रेम भी कहते हैं। तो आगे देखें, सैंपल फ्रेम जो है वो कंप्लीट लिस्ट होती है तमाम एलिमेंट्स की पॉपुलेशन के अंदर, जैसे कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ BCS स्टूडेंट, ऐसे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के, तो उन सारे स्टूडेंट्स की जो एक लिस्ट होगी हमारे पास, वो हमारे पास सैंपल फ्रेम होगी। ठीक है, उसे हम सैंपल फ्रेम भी कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उसके एडवांटेज हैं, टाइम आपका बच जाएगा, मनी बचेगी, और बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जब आप सारे सैंपल को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलो अप हो जाएगी, सैम्पलिंग इज़ द मोस्ट फिजिबल पॉसिबिलिटी, और ये बस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद सैम्पलिंग एरर आपका एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटिव, जो हमने पीछे हमने पढ़ा था कि एस्टिमेट हम किसी चीज़ को जब कर लेते हैं, उसमें जो ट्रू वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, वो हमारे पास सैम्पलिंग एरर होता है। यानी कि हम लोग जब किसी चीज़ को एस्टिमेट करते हैं, हम अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो हमारा अंदाज़ा हर वक्त करेक्ट नहीं होता, ट्रू जो है वैल्यू से हमारा अंदाज़ा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो उसको जो है हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सैम्पलिंग एरर का आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ, ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, आगे हम देखेंगे कि किस तरह इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है और कैसे हमने न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद नॉन सैम्पल एरर है, उसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो कुछ सोर्सेज दिए हुए नॉन सैम्पलिंग एरर के और सैम्पलिंग एरर के, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं, द डिफेक्ट इन सैम्पलिंग फ्रेम, में अगर कोई डिफेक्ट आ गया है, या फिर रिपोर्ट करने में कोई फॉल्ट आ गया है, या किसी भी नेगलिजेंस है किसी ने जो है वो इंडिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या फिर कोई रिस्पॉन्स किसी मेल का आपको नहीं मिला, तो ये हमारे पास सारे जो है वो नॉन सैम्पलिंग के सोर्सेज बन जाते हैं। ठीक है, इनको फिर अवॉइड कैसे करते हैं,
कैन बी अवॉइडेड थ्रू फॉलोइंग अप द नॉन रिस्पॉन्स, प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर्स को आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें उसकी वजह से भी रिड्यूस हो सकते हैं, और फिर करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द कलेक्टेड फॉर्म, यानी कि डाटा को जो आपने इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट किया उसके जो मैनिपुलेशन है ना उसे करेक्ट करना है, इस तरह से आप नॉन सैम्पलिंग एरर को अवॉइड कर सकते हैं। तो नॉन सैम्पलिंग एरर के मेन सोर्सेज कौन से हैं और इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है जी, एक सैम्पलिंग की काइंड होती है जिसमें पॉपुलेशन यूनिट्स को जो है वो सैम्पलिंग को हम पर्सनल जजमेंट पे जो है वो ड्रॉ करते हैं बस, और इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद कोटा सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, ये भी सैम्पलिंग की एक टाइप है जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम पॉपुलेशन इज नो लॉन्गर डेडिकेटेड बाई चांस। बस आपने सिर्फ इनकी डेफिनेशन एक एक लाइन की हैं ये दोनों, ये आपने बस एक एक लाइन की डेफिनेशन याद रखनी है बस। उसके बाद यहाँ पर एडवांटेज ऑफ कोटा दिया हुआ है, तो ये एमसीक्यूज में ऑलरेडी आ चुका है कि एडवांटेज ऑफ जो है वो कोटा सैम्पलिंग क्या है। इसमें जो है वो कंस्ट्रक्ट फ्रेम को कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही क्विक है, इन्वेस्टिगेशन बहुत क्विक हो जाती है, और उसमें कॉस्ट रिडक्शन भी होती है कोटा सैम्पलिंग के अंदर, बस इसकी ये एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद डिसएडवांटेज भी हैं, तो डिसएडवांटेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके। उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग की कुछ टाइप्स हैं, यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, फिर सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, और बहुत सारी इसमें टाइप्स हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिफाइन किया गया है, तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि एक किसी भी एलिमेंट का जो चांस होता है ना पेरेंट पॉप से, वो सैम्पल के अंदर सेम ही होता है जैसे कि अदर एलिमेंट्स का होता है। बस आपने सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। इसको हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो आगे के लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर एक 1000 रैंडम डिजिट्स दिए हुए, यानी कि ये वन टोटल जो ये डिजिट्स हैं ये 1000 हैं और रैंडम लिए हैं, यानी कि जितनी भी काउंटिंग है रैंडमली 1 से 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, लेकिन 1000 टाइम्स उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ आपको डाटा दिखाने के लिए, ये रैंडम डाटा है, ठीक है, जस्ट रैंडम डाटा आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपको एज बताई हुई है कि ये एज 13 है, 14 है, 15 है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हुए हैं कि 13 एज के 6 स्टूडेंट हैं, 14 एज के जो है वो 61 स्टूडेंट हैं, 15 एज के 270 स्टूडेंट हैं, और टोटल हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे क्या फाइंड आउट किया, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप यहाँ से सीखें। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी जो एफ होती है ना उसको हम सेम रखते हैं, जैसे 6 है तो 6 जो है वो हमारे पास सेम ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि जो नेक्स्ट वाले को हम पिछले वाले को उसमें प्लस कर देते हैं, यानी कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को हम इस वाली में ऐड करेंगे। 61 है ना, तो इसमें अब हम 6 को प्लस करेंगे, जब इसको 6 को प्लस करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास 67 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब 67 के अंदर हमने 270 को प्लस करना है, इस तरह से इसके अंदर हम और प्लस करते जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू को हम प्लस करते जाएंगे इसके अंदर, जैसे हमने इस 6 को हमने प्लस किया 61 में, अब हम इस 66 को प्लस करेंगे 67 को 270 में, फिर 337 को प्लस करेंगे 490 में, फिर 828 को प्लस करेंगे 153 में, फिर 981 को प्लस करेंगे 15 से, तो 996 आ जाएगा, फिर 996 में 4 को और हमने प्लस करना है क्योंकि आखिर में हमारे पास ये है, तो ये बन जाएगा 1000, ठीक है। तो इस तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल्स में इसको फाइंड आउट भी करेंगे और आगे हम देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। अभी आप जस्ट के समझें कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सैंपल आपको नंबर दिए हुए वो कैसे होते हैं, जैसे अभी 6 है तो 0 से शुरू हुआ होगा ना, उसके बाद ये 5 तक हम एक डिजिट को पीछा रखते हैं। अब ये नेक्स्ट है तो ये अब 6 से स्टार्ट होगा और फिर हमने 66 तक डाटा जाएगा, ऐसे हम इसका एक सैंपल बनाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये अब 66 पे ख़त्म हो गया, तो अब नेक्स्ट वाला 67 से स्टार्ट होगा, 67 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जा रहा है, 337, तो ये 336 आएगा अब एक डिजिट पीछे और न्यू पीछे वाला एक डिजिट आगे, ठीक है। इस तरह से हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये टेबल आपको सॉल्व करके इन्हें आगे दिया हुआ है, आगे देखें 5 पे ख़त्म हुआ तो 6 से शुरू होगा और फिर 66 पे ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आगे आपने एक और टेबल आपको दिया हुआ है, इसी को जो है वो फाइंड आउट करें, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अब 66 पे ये एंड हुआ है तो 67 से स्टार्ट होगा और एक डिजिट पीछे ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हम सैम्पलिंग नंबर्स फाइंड आउट करेंगे 99 तक, क्योंकि उसके बाद हमारे पास 1000 आता है और हमारे पास 1000 ही है, तो ये हमारे पास सैम्पलिंग नंबर इस तरह से फाइंड आउट होते हैं। इसको आगे हम न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने पीछे भी फाइंड आउट की थी, ये वही है। अब यहाँ पर एक और इन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास ये हैं। अब एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला ये लिए चाहिए था क्योंकि हम यहाँ पर मीन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन मीन एज हमने फाइंड आउट करनी है, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो ये मीन का साइन है, इसका समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ, समीशन का मतलब होता है सम, ये जो है ना ये सम को स्टैंड करता है। अब एफ का जो सम है वो तो 1000 है, ये देखें 1000 है हमें पता है। अब एफ ऑफ एक्स नहीं है हमारे पास, टेबल में तो नहीं है ना, लेकिन एफ और एक्स दोनों हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हमारे पास 78 आ जाएगा। फिर 14 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 854 आ जाएगा। इस तरह से हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया, एंड पे हमने उसका सम कर लिया क्योंकि हमें समिशन चाहिए, सम चाहिए। हमने सम निकाल लिया, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के अंदर हमने इसको पुट किया और उसके बाद इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास मीन आ गया। तो इतना आसानी से आप जो है वो मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको डाटा गिवन हो और आपने मीन फाइंड आउट करना, तो शॉर्ट में हो सकता है कि आ जाए। आगे हम बहुत दफ़ा करेंगे मीन को तो आपको और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे मीन को फाइंड आउट किया करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 जो है उसमें क्या बताया, सबसे पहले तो आपको डाटा के टाइप्स बताइए जो भी हमने पीछे पढ़ भी लिए हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं। डाटा तो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, जिसको हमने पहले देखा। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, डेटा डिस्क्रीट होगा या फिर कंटिन्यूस होगा, हमने दोनों देख लिए। उसके बाद डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एंड पे लाइन चार्ट बनता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि लाइन चार्ट कब बनता है, डिस्क्रीट डाटा का लाइन चार्ट बनता है। उसके बाद कंटिन्यूस डाटा का हिस्टोग्राम बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनता है और फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है। ये आपने याद रखना है कि किस किस डाटा का क्या क्या बनता है। तो हम जो है जितना हमारे पास जो कंटिन्यूस डाटा होता है उससे हम हिस्टोग्राम भी बना लेते हैं, उससे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो क्वालिटेटिव डाटा है उसमें यूनिवेरिएंट है और बायवेरिएंट है। अब यूनिवेरिएंट में क्या होता है, परसेंटेज है, पाय चार्ट है, बार चार्ट है। ये जो तीन चार्ट है ना ये यूनिवेरिएंट में आते हैं, और बायवेरिएंट में जो है वो बार चार्ट के कंपोनेंट है और मल्टीपल बार चार्ट है। अभी हम देखेंगे कि मल्टीपल बार चार्ट कैसा होता है, तो वो हमारे पास बायवेरिएंट में आता है। तो बस आपने ये याद रखना है यहाँ से, और बाकी इस टेबल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक कुछ स्टूडेंट जो है वो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे 719 हैं और उर्दू इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले 481 हैं, टोटल मिलाकर ये 1200 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था आपने कि परसेंटेज कितनी परसेंटेज है। वैसे तो हम यहाँ पर देखें, अगर हम वैसे ही देखें तो 719 ज़्यादा है और 481 तो थोड़ा है ना। वैसे हमें नज़र आ रहा है कि उर्दू मीडियम की परसेंटेज ज़्यादा है और इंग्लिश की कम है, लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। सिंपल क्या करना है कि आपने जो 719 आपके पास जो डिजिट्स हैं ना, ये उर्दू मीडियम में जितने बच्चे हैं टोटल, उनको आपने टोटल से डिवाइड कर देना है। यानी कि जितने बच्चे हैं उनको टोटल पर डिवाइड कर देंगे तो 59.59 आ जाएगा। इसको हम राउंड ऑफ करके 60% हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो है वो 481 हैं, इसको डिवाइड करेंगे टोटल, टोटल हमारे पास 12 है टोटल बच्चों पे। 481 में से डिवाइड करेंगे टोटल बच्चों पे तो कितना आ जाएगा, 40%। वो तो हमें दिख ही रहा था कि ज़्यादा ये कम है। अब हमें परसेंटेज ये पता चल चुकी है कि ये बच्चे जो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, वो 60% है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे 40% हैं। बस ये आपको ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद यहाँ पर आपको पाई चार्ट दिखा हुआ है, तो पाई चार्ट कुछ ऐसा होता है, 360 डिग्री जो है वो हमारे पास सर्कल होता है और इस तरह से हम पाई चार्ट में जो है वो इसको शो करते हैं। अब उसी इन्फॉर्मेशन को हम पाई चार्ट में शो करेंगे। उसमें शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही 719 को डिवाइड करेंगे 1200 है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे हमको 360 पे, क्योंकि हमारे पास सर्कल का जो एरिया और सर्कमफेरेंस होता है ना वो 360 होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने बच्चे हैं 719, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल बच्चों पे और मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कल के एरिया से। तो हमारे पास कितना आ गया, 215 और जो है हमारे पास एंगल बन गया। उस तरह इंग्लिश का भी करेंगे, 481 बच्चे थे, फिर हमारे पास उनको डिवाइड करेंगे 1200 पे और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ, तो 144.3 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम जो है वो डी से हम मेजर करते थे जैसे बचपन में, बिल्कुल वैसा ही है पाई चार्ट, वैसे हमारे पास ये पाई चार्ट बन गया। और फिर हम उसको मेंशन कर दें कि इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है। अब यहाँ पर ने आपको बार चार्ट दिया हुआ है, तो बार चार्ट बहुत आसान होता है कि हमने एक जो हमारे पास यहाँ पर दिए हुए ईयर्स को आपने इस साइड पे रखा, और जितने भी आपको टर्नओवर या रुपीज़ दिए हुए वो आपने इस साइड पे रखा, और उसके बाद आपने इनका बार चार्ट बना लेना है। जैसे 1965 है ना, उसमें कितने थे, 35,000, तो ये 1965 है, 35,000 मस्ट भी यहाँ होगा कहीं। ऐसे हमने इसको मार्क किया और फिर हमने यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते थे, तो ये बार्स बनाते थे हम। आगे ये बना हुआ है तो हम उससे इसको देख लेते हैं। ये देखें 1965 है, तो ये 35,000 ऑलमोस्ट यहाँ होगा, तो यहाँ से इसकी बार बन गई। उसके बाद 1966 है, तो हम ऊपर डाटा में देखते हैं, 1960 में होना चाहिए 42,000, तो 42,000 हमारे पास कहाँ होगा, 40 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो थोड़ा सा ऊपर हमने ये बार बना दी। तो इस तरह से हमारे पास ये बार ग्राफ बनता है। अब हमारे पास मल्टीपल बार ग्राफ आगे आपको दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये आपको कलरफुल भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें दो कलर्स को हम शो करते हैं, ये कलरफुल बार ग्राफ होता है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल बार ग्राफ दिया हुआ होता है, जिसमें हम दो चीज़ों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही गुड होता है, जिसमें अगर हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो हमारे पास ये बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिया हुआ है कि इतनी इंपोर्ट हुई थी और इतनी एक्सपोर्ट हुई थी, ठीक है। 1970 से 71 तक जो इंपोर्ट थी, इंपोर्ट्स हमारे पास ये 500 के करीब करीब ही है, थोड़ा सा कम है, इतनी हुई थी, और एक्सपोर्ट्स हमारे पास इतनी सी हुई थी। तो हमने इनको कंपेयर कर लिया, तो इसको हम मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं, जिसके अंदर हम दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर करके देख रहे होते हैं एक एक साल में। अब देखें 1971 से 72 तक अगले साल में क्या हुआ, इंपोर्ट कितनी थी और एक्सपोर्ट कितनी थी, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है।
उसके बाद 72 और 73 अगला साल है, अगले साल में देखें तो एक्सपोर्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई है और इम्पोर्ट थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो हमने इनको कंपेयर कर लिया है। दो चीज़ों को हम एक साथ कलरफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हम ये हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट है। तो ये MCQs अभी 2023 में आया हुआ था कि जो है वो कौन सा जो है वो अगर हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो हम कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे। तो अगर आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो आप मल्टीपल बार चार्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस लेक्चर में सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि बार चार्ट कैसा होता है, पाई चार्ट कैसा होता है। आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल में देखेंगे कैसे ये बनता है, इसको कैसे बनाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आज हमने लेक्चर 1, 2, 3 किए हैं, तीनों लेक्चर थ्योरी रिलेटेड थे, जितने भी MCQs इससे बनते थे और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको साथ साथ हाईलाइट करके बताई हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और ये पास्ट में आ चुकी हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये समझ आया है तो मैं इसके अगले फर्दर जो लेक्चर्स हैं वो भी कंटिन्यू करूँगी और बहुत जल्द जो है वो इसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन हम इसी मंथ में जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जून में आपकी मिड टर्म है उससे पहले ही हम कंप्लीट कर लेंगे और जून में आप इसके आराम से रिवीजन कर पाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैट 301। सो आज हम एक स्टैट्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंदर हम शॉर्ट लेक्चर्स कवर करेंगे। तो पहले लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 1 लेक्चर